नमस्ते, मैं हूं सुरेश रेड्डी। आज सुक्का चिकन, मैंगलोरियन स्टाइल सुक्का चिकन बहुत ही फेवरेट, बहुत ही डिलीशियस डिश है। एपेटाइजर में भी चलेगा, मेन कोर्स में भी चलेगा। चलो, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है और किस तरह से इसको बनाना है, चलो आपको पहला मैं इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो बता देता हूँ। मैंने इसके लिए 1 किलो फ्रेश करी कट चिकन लिया है। इट मींस ये बोन के साथ में है, ये जो चिकन मीट है बोन के साथ में है। ऑल राइट, अब ये तो चिकन हो गया 1 kg। और 2 टेबलस्पून तक होल कोरिएंडर इसका साथ जाएगा, जीरा जाएगा 1 टेबलस्पून कितना, थोड़ा सा मेथी सीड लिटिल, ये हमारे पास गरम मसाला है, हल्का सा ज़्यादा नहीं, पेपर्स अपना ब्लैक पेपर है, बेलीव्स है, इलायची है, और थोड़ा सा अपने को इतना तक 1 टीस्पून के टर्मरिक पाउडर। अब ये हो गया, मैंने 1 टेबलस्पून कितना गार्लिक चॉप करके रखा हूँ यहाँ, और मैंने 3 मीडियम ऑनियन को रफली कट के तैयार करके रखा हूँ। ऑनियन 3 ऑनियंस रफली कट, 1 बड़ा टोमेटो मैंने रफली चॉप करके रखा हूँ। अब मेरा जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है कोकोनट, ये फ्रेश कोकोनट है, इसको अच्छे से ग्रेट करके एक एक पूरा कप लिया ले मैं, एक पूरा बोल आई मीन टू से लिया ले फुल। अभी आपको लोग तो जानते हो कड़ी पत्ता तो रहते हैं ऑलमोस्ट कड़ी पत्ता, और मैंने थोड़ा कोरिएंडर लीव्स को भी चॉप करके रखा हूँ, नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हो आप, कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हो, मेरा रेडी है। सॉल्ट तो जाएगी, जितना अपने को लगता है उतना अपन सॉल्ट डाल देंगे। जब अपन ये प्रिपरेशन फिनिश करते हैं तो थोड़ा देसी घी भी उसमें मिला देंगे। ये सारा इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखा दिया, उसका साथ में और इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास, ये है लाल मिर्ची है, अपना बिड़की मिर्ची है, रेड कोल मिर्ची है, इतना सारा इंग्रेडिएंट्स इसका साथ में जाएगा सुखा चिकन बनाने के लिए। चलो अभी अपना जॉब को चालू करते हैं, स्टार्ट। चलो, मैंने 1 टेबलस्पून तक ऑयल पैन में डाल दिया हूँ। अब हमें करना है चिल्ली को डालना है, इसको हल्का सा इसको रोस्ट करना है अपने को, देख लीजिए जलाना नहीं, बस या लाइक दिस। अपने पास गोल चिल्ली भी है, ये भी डालना है। ये देख लीजिए मैं कर रहा हूँ कैसा हो रहा है, बस ज़्यादा नहीं करना है, जलाना नहीं, डाल रहे नीड टू बर्न, सो वी हैव टू टेकन केयर फॉर दिस। अभी अपना जो और इंग्रेडिएंट्स है, धनिया अपना कोरिएंडर होल है, गरम मसाला है होल, जीरा है, और थोड़ा सा जो मेथी सीड है डाल देंगे, देख लीजिए बस। अब मैं एक काम करूँगा, हल्का सा गैस को फास्ट कर लूँगा, ये थोड़ा अपना ट्रिक्स है। समझ लेगा, जलाना नहीं चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट हो गया, देख लीजिए जो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इधर इसमें डाल दूँगा बस वापस। अभी यही जो पैन है चेंज नहीं करना है अपने, कुछ अपने को चेंज नहीं करना है। मेरा बस जो जो ग्रेटेड मैंने कोकोनट को तैयार, फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट जो है वो तो मेन इंग्रेडिएंट है आपको पता है, तो उसको मैं अभी इसमें डाल रहा हूँ। इसको हल्का सा मैं गर्म करूँगा, तो देख लीजिए कैसा बन जाएगी एक्चुअली। अब अपने काम करना है हल्का सा, अपन एक काम करते हैं, 1 टीस्पून कितना अपना टर्मरिक पाउडर, हल्दी भुकी डाल दिया, थोड़ा इसमें डाल देता हूँ, इसमें बस बोल में डाल देता हूँ, देख लीजिए बस। अभी हमें क्या करना है, हमें फूड प्रोसेसर को यूज़ करके इसको हमें इसको बारीक जैसा पेस्ट बनाना है, इसको पाउडर कैसा बनना है सुखा चिकन के लिए, ठीक है। फिर चलो वो भी चालू करते हैं अपन। ये देख लीजिए इस तरह से फाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है इसको, इस तरह से
या दो या तीन राउंड घूम गया अपना ये फूड प्रोसेसर के अंदर, बस हो गया। अभी चालू करते हैं प्रिपरेशंस सूखा चिकन। मैंने नियरली टू एंड हाफ टेबल स्पून पर ऑयल डाल दिया और एक फुल स्पून ऑफ देसी घी। ऑलराइट, गैस चालू है, गर्म जो हो रहा है अभी अपने तेल गर्म हो रहे हैं, ऑनियन डाल रहा हूँ, जो हमने ऑनियन काटा है। कि अब मैं ये गार्लिक जो चॉप है इसको डाल दूंगा, बस गार्लिक चॉप। मेरा हाथ जो है एकदम क्लीन है, मेरा पास करी पत्ता है, डाल देते हैं करी लीव्स। अब है टोमेटो, जस्ट सॉटे करना है अभी। अब आगे देख लीजिए मैं कैसा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आपको पता चलेगा। हमारा अभी ये ऑनियन जो है ये सही तरीके से सॉटे हो गया है, और अब देख लीजिए जो हो गया, थोड़ा सॉटे करना है, देख लीजिए कैसे सॉटे हो गए। अब हमें करना है ये जो चिकन है डालना है अपने से, बस ये चिकन है फ्रेश चिकन मैंने लाया है, बस इसको अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा सॉल्ट इसमें डाल दूँगा, अप्लाई करूँगा नियरली 1 टेबल स्पून तक सॉल्ट डाल दूँगा। इससे थोड़ा कम रहेगा तो चलेगा, थोड़ा कम डालने अच्छे हैं, बाद में फायदा भारत में डाल सकते हैं। हल्का सा 1 टी स्पून से भी कम टर्मरिक मिला लेंगे थोड़ा सही तरीके से, बस थोड़ा इसको ढक्कन लगा देता हूँ, थोड़ा पकने दे दीजिए इसको। चलो अभी देखते हैं अपना जो चिकन कैसा पक गया है, क्या इसका स्टेटस है। अभी थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं, हाँ सही है, हमने इसमें पानी तो बिल्कुल ऐड नहीं किया है क्योंकि टोमेटोस डाला है। तो अब क्या करना है, जो हमारा जो मेन चैम्पियन है ये मसाला जो है इसको डाल देते हैं, जो ग्राइंड किया है हमने मसाला से, जो अपने देखा है मैंने सारा मसाला को ग्राइंड किया है। और ये मसाले के साथ में एटलीस्ट एक 2 मिनट तक अपने को इसको, 1-2 मिनट कम से कम इसको पकाना है। ऑलरेडी हमने चिकन को 10 मिनट पका लिया है ऑलरेडी, अब ये मसाले के साथ में थोड़ा पकने दो, डिलीशियस मसाले एकदम। ढक्कन लगा लेता हूँ इसको, बस थोड़ा पकने दीजिए। चलो ये अभी हो गया, और देख लीजिए कैसा बन गया है एकदम, ऑलमोस्ट मैंने 1.5-2 मिनट तक रख लिया है इसने। अब हमारा और मेरी इंग्रेडिएंट्स जो कोकोनट, जो हमने थोड़ा रफली इसको ग्राइंड किया है, इट्स नॉट वेरी पेस्ट, रफली। अभी ऑलमोस्ट हमारा सूखा चिकन रेडी हो रहा है सर, देख लीजिए एकदम ड्राई कैसे हो गया, एकदम डिलीशियस। इसका जो जब पकता है ना, इसका जो अरोमा है, इसका जो फ्लेवर है, इसका जो खुशबू है, वो बहुत ही बेहतरीन एकदम, सब एकदम बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसा लग रहा है कि एकदम खाना बन रहा है, देख लीजिए चिकन भी पक गया, वेल कुक्ड एकदम हो गया ऑलमोस्ट। अब थोड़ा मैं मेरा धनिया पत्ता है ये भी इसको डाल लेता हूँ, और थोड़ा सॉल्ट मुझे डालना है अभी, तो एक काम करता हूँ थोड़ा सॉल्ट डाल देता हूँ, ठीक है सर, बाद में टेस्ट कर लेंगे वापस। मैं थोड़ा मेरा से ये भी है, थोड़ा घी है देसी घी, वो भी डाल लेता हूँ जो बचे रहे, बस ऑलराइट। अब इसको देख लीजिए कैसा हो गया, ये सूखा चिकन रेडी हो गया है। अभी विल गो फॉर प्रेजेंटेशन। अभी ये गरम गरम सूखा चिकन मैं प्लेट में डाल लेता हूँ, तो धनिया पत्ता है और मैं थोड़ा मेरा थोड़ा ग्रेटेड कोकोनट भी है, मैं इसमें थोड़ा स्प्रेड कर लेता हूँ, इसमें कोरिएंडर लीव्स है इसको इधर डाल लेता हूँ, बस हमारा जो प्रेजेंटेशन है बस वेरी सिंपल। और हमारा वो जो ये है अपना सूखा चिकन है, मैंगलोर सूखा चिकन एकदम रेडी टू ईट नाउ, ऑलराइट, वेरी डिलीशियस। चलो स्टेट टेस्ट करते हैं इसका टेस्ट कैसा है। एक मैंने निर्दोष बनाया है, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है निर्दोष सूखा चिकन। ये देख लीजिए कैसा चिकन पक गया है अभी, इसका जो मसालास है ये आप देख सकते हो, ये मसालास है इसका सूखा, सूखा मीन्स ड्राई ऑफ कोर्स। और मैं क्या करूँगा, मेरा से निर्दोष ऑलरेडी है पैन
पैनकेक, वाटर पैनकेक या। और मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा और मसाला डाल दूंगा, टेस्ट करते हैं। All the masalas balanced well, meat is cooked properly, और जो टेस्ट है आप खुद बना लीजिए। इंग्रेडिएंट्स मैंने बता दिया, अपने मेरा डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, और आप बनाइए। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, वन ऑफ द सुपर मेन कोर्स और स्टार्टर। बैंगलोरियन सूखा चिकन आप किसको भी पूछ सकते हैं, इट्स टू डिलीशियस। लेकिन बनने का जो तरीका है मैंने बताया किस तरह से बनना है, और आप लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा कुकिंग को देख रहे हैं, मेरा काम को देखा है, आपका जरूर फीडबैक, इंफॉर्मेशन, नॉलेज ये मुझसे शेयर कीजिए। अगर मुझसे भी कुछ, अगर मैं भी ऐसे लर्न करते रहता हूँ, हर चीज़ में डेली बेसिस में कुछ ना कुछ मैं लर्न जरूर करते रहता हूँ। दैट इज़ वेरी नाइस, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड। एनी हाउ, अगेन थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मैंगलोरियन सुखा चिकन डिलीशियस, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगेन थैंक यू, सुरेश हियर।